इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद बलदियाती इंतखाबात से मुतलिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया। हुकूमत ने हमारे लिए बड़ा मसाला बना दिया। हुकूमत को लिखेंगे कि पार्लियामेंट कानून साजी करे ताकि बलदियाती इंतखाबात बर वक्त हों। अदालत के रिमांड। हुकूमत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। नवाज शरीफ ने वापस आने की दो शर्तें रखी हैं, एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड पे, दूसरा इमरान खान को नाअहल करें। दुनिया के दारुल हुकूमतों में सूबाई हुकूमतें कायम हैं और हमारे यहाँ बलदियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। इनकी आहें और सिसकियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हम इनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे, असेंबलियां तोड़ कर दिखाएंगे। पीटीआई वकील बाबर आवान की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोग की रोकथाम और माहौलियाती आलूदगी फैलाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियों में मजीद एक हफ्ते की तौसी का हुक्म। नोटिफिकेशन भी तलब कर लिया गया। महकमे माहौलियात को आलूदगी के खात्मे के लिए रूल्स जल्द वजा करने की हिदायत। इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि मरी, गलियात और गिरदनवा में शदीद सर्दी पड़ेगी। क्वेटा, चमन, ज्यारत, योग, तुर्बत, गवादर, पंचगोर और नोकंडी, दालबद्दीन और चाखी में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आजाद कश्मीर भर में कड़ाके की सर्दी। बलाई इलाकों में दर्ज हरारत नुकते इंजमात से नीचे गिर गया। शहरी इलाकों में भी रात के वक्त टेम्परेचर कम होने लगा। दिन के वक्त शहर और गिरदोनवा में धूप निकलने से मौसम में सर्दी की शिद्दत में कमी। रवा हफ्ते मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। शिगर और गिरदोनवा में शदीद सर्दी, दर्जा हरारत नुकता अंजमात से 7 सेंटीग्रेड गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में आइंदा चंद रोज तक खुश्क सर्दी में मजीद इजाफे की पेशगोई। अगले कुछ रोज तक बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं। बिजली एक माह के लिए 18 पैसे फी यूनिट महंगी, नैपरा ने मंजूरी दे दी। इतलाक डिस्कोस के तमाम सार्फीन मासीवाय लाइफलाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर होगा के एलईडी सार्फीन पर इतलाक नहीं होगा। वजीर आजम की स्वीट तोशाखाना की घड़ी पर फंसी हुई है। पीडीएम को इलेक्शन में वोट नहीं कुछ और ही पड़ेंगे। पीडीएम अंदरूनी तोड़फोड़ का शिकार है। मुल्क टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका। एस्टैब्लिशमेंट और आवाम का चोली दामन का साथ है। अब खामोश तमाशाई नहीं रहा जा सकता। 18 रोज में अहम रियासती सियासी मौशी मीटिंग और फैसले हो जाएंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद का दावा। गवर्नर पंजाब को अहदे से हटाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि बलीग रहमान ने अपने आईनी इख्तियार से तजावुज किया। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच लाहौर रजिस्ट्री में इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई ने दफा का हक खत्म करने के फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा से रुजू कर रखा है। शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ हत्या की इज्जत पर 10 अरब हट जाने का दावा दायर कर रखा है। शहबाज शरीफ नौटंकी के माहिर, कबाली अजला के तरक्याती फंड रोक रखे हैं। डी खान में शहबाज ने दिखाई ये सारे मंसूबे। पीटीआई दौर में शुरू हुए सैलाब मुतासरीन के लिए ऐलान करदा 10 अरब में से एक पाई भी नहीं मिली। आवाम इंतखाबात में इन चीजों का हिसाब लेंगे। बैरिस्टर सैफ की तनकीद। हुक्मरान अवामी एतमाद खोने के बाद इलेक्शन से भाग रहे हैं। भानमती का कुंभा हुकूमत चलाने में मुकम्मल नाकाम हो चुका। लोग महंगाई और इनकी नाअहली से अब तंग आ चुके। कोई भी साजिश आवाम के फैसले को बदल नहीं सकती। मुसर्रत जमशेद छीमा की सियासी मुखालफीन पर शदीद तनकीद। शहीद बेनजीर भुट्टो की जिंदगी, आवाम, आईन, पार्लियमान और मुल्क की खातिर सियासी जदोजहद इनके नाम की तरह बेनजीर है। बेनजीर का कत्ल इंसानियत का कत्ल। कातिलों ने आवाम से उम्मीद, मुल्क को कौम से मुस्तकबिल छीना। सेनेटर शहरी रहमान का बेनजीर भुट्टो को खराज अकीदत। अमेरिका में जारी बर्फानी तूफान से हलाकतों की तादाद बढ़कर 60 होगी।
कनाडा में भी सूरत हाल खराब, सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई। मुतादी शाहराहें शदी बर्फबारी के बायस बंद, मुतादी रियासतों में एमरजेंसी नाफिज़ हुई। रूस का पाकिस्तान को तवील मुद्दत तक गैस फराखी पर आमादगी का इजहार। रूस के नायब वजीर आजम कहते हैं पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता या ईरान के जरिए गैस सप्लाई की जा सकती। आलमी बॉक्सर आमिर खान पहलवानों के शहर का लजीज खाना खाने गुजरवाला पहुंच गए। मकामी होटल में चाइनीज और पाकिस्तानी देसी खानों से लुत्फ अंदोज अपना ऑर्डर खुद सामने बैठकर तैयार करवाया।